नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पर्सन में। जी तो दोस्तों, आपको इस समय की बड़ी जानकारी से आगाह करते चलें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाले के बाद सलमान खान पर भी अपना अटैक कर दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप सही खबर सुन रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने सलमान खान पर हमला करना ही था कि बीच में एक पुलिस वाला आ गया। जी तो दोस्तों, आपको इससे मुतलिक मज़ीद जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जी तो दोस्तों, ज़रा यही बता रहे हैं कि सलमान खान अपने घर के साथ साइकिलिंग करते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये बात पता चला कि सलमान खान अपने घर के बाहर अकेले साइकिलें करती हैं, अपने बॉडीगार्ड्स को साथ नहीं ले जाते। तो उन्होंने फैसला किया कि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा सलमान खान को मारने का, क्योंकि इससे पहले भी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां दी गई थीं। जी तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर घर के बाहर झाड़ियों और दरख्तों के पीछे छुप के बैठे थे। सलमान खान साइकिलिंग के लिए बाहर निकले तो वो 6 इंच के फासले पर ही थे, उन्हें शूट करने वाला था शूटर, तो पुलिस वाला बीच में आ गया, सलमान खान का किस्मत जाग गया। जी तो दोस्तों, आप लोगों का इसके मतलब क्या कहना है, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। धन्यवाद।